ये भी मिरर खराब, ये भी मिरर खराब, और इससे मिरर की हालत आप देख सकते हैं। लिफ्ट नंबर 7, लिफ्ट नंबर 8, दोनों लिफ्ट खराब है। अभी 3 दवाई लिखी तो 1 दवाई मिली है, और दूसरी पर्ची में भी 4 दवाइयां लिखी तो 1 ही मिली है। 5 लिखी है ना? हाँ, इनमें से 1 दवाई मिली है। अस्पताल बाहर से देखने में इतना सुंदर है जितना अंदर से गंदा है। ये वॉशरूम की हालत है, अंदर अगर आप देखेंगे कितना ज्यादा गंदा है, अंदर से लॉक लगा दिया गया है। ये देखिए, सिर्फ मुझे दो शीशी मिली और दवाइयाँ मिली ही नहीं है। मैम, हम गरीब आदमी है, बाहर से हम लेते हैं तो ये दवाइयाँ बहुत महंगी है मैम, और ये इतनी महंगी है कि हम बाहर से ले भी नहीं सकते मैम, ये बहुत महंगी दवाइयाँ हैं। 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, गाड़ी से कन्वेंस कर सकते हैं, और टाइम अपना खराब कर रहे हैं, क्योंकि दवाइयाँ नहीं मिल रही है। बताइए क्या फायदा सरकारी हॉस्पिटल का? देखिए, मेल टॉयलेट में हम आए हैं, हॉस्पिटल के अंदर का टॉयलेट है, एक बार आपको दिखाएंगे टॉयलेट की स्थिति। टॉयलेट अस्पताल में इतना बड़ा बनाया गया है, लेकिन ये देखिए, एक इसमें पानी नहीं आता। ये देखिए, मैं पूरा आपको टैप चला के दिखा रही हूँ, लेकिन पानी इसमें आता ही नहीं है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर सोप रखा हुआ है और पानी इसमें आता है, और टैप देखिए, स्थिति देख सकते हैं आप। ये अस्पताल की हालत है, जहाँ पर रोज़ाना ना जाने। ये देखिए, देखिए एक लिफ्ट मैंने आपको उधर दिखाई थी, दूसरी लिफ्ट इधर दिखाऊंगी। अस्पताल बाहर से देखने में इतना सुंदर है जितना अंदर से गंदा है। अस्पताल की कंडीशन आप देखिए, दो आपको यहाँ लिफ्ट नज़र आ रही है, लिफ्ट नंबर 7, लिफ्ट नंबर 8, दोनों लिफ्ट ख़राब है। अब ये सोचिए, इतने बड़े अस्पताल में मरीज़ अगर इमरजेंसी में ऊपर जाना हो तो कैसे जाएंगे? ये देखिए, ये भी लिफ्ट ख़राब है, ये भी लिफ्ट ख़राब है, इस लेन में एक और आगे लिफ्ट है, वो भी लिफ्ट ख़राब है। लेडीज़ टॉयलेट के सामने आप देखेंगे दूसरी तरफ लिफ्ट है, ये भी लिफ्ट ख़राब है, लिफ्ट नंबर 10। अब इधर की तरफ मैं आपको दिखाऊंगी अस्पताल का फीमेल वॉशरूम। वॉशरूम के सबसे पहले मिरर की बात करेंगे, ये भी मिरर ख़राब, ये भी मिरर ख़राब, और इससे मिरर की हालत आप देख सकते हैं। और मिरर ख़राब है वो बात समझ आ गई, लेकिन मिरर देखिए किस तरीके से यहाँ पर पीसेस रखे हुए हैं, टुकड़े शीशे के। पानी आता है लेकिन गंदगी आप देख सकते हैं अस्पताल में। ये देखिए, ये वॉशरूम की हालत है, अंदर अगर आप देखेंगे कितना ज़्यादा गंदा है, अंदर से लॉक लगा दिया गया है। ये देखिए, हद से ज़्यादा ये वॉशरूम गंदा है। यहाँ देखिए कचरा, टैप टूटे हुए हैं, जंक लगे हुए हैं, उनको यहीं रख दिया गया है। शीशे जो टूट चुका है, पूरी तरीके से डैमेज है, उसको भी अभी तक लगाया हुआ है। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि यहाँ पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिलती। कितना गंदा वॉशरूम है, जहाँ पर महिलाओं को रोज़ाना आना पड़ता है। मिरर ख़राब है, वहाँ पर आप गंदगी देख सकते हैं। डस्टबिन देखिए, जहाँ पर मुंह धोना है, जहाँ पर हाथ धोना है, वहाँ पर साइड में डस्टबिन रखा। फिनाइल की बोतल देखिए किस तरीके से नीचे गिरी हुई है। सबसे बड़ा ये दोनों देखिए, बाथरूम की अगर बात करें तो ये दोनों वॉशरूम देखिए, इस पर भी लॉक लगाया हुआ है, इस पर भी लॉक लगाया हुआ है, और यहाँ से एक गेट टूटा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितना गंदा है, अंदर पूरा का पूरा कचरा भरा हुआ है। ये है वॉशरूम की हालत। इधर एक वॉशरूम है, आप ये देखिए, यहाँ पर एक वॉशरूम बनाया गया है। फीमेल सेफ्टी की बात की जाती है, ये रहा वॉशरूम, यहाँ वॉशरूम बनाया गया है, पीछे से दिखाओ उसमें, यहाँ वॉशरूम बनाया गया, और वॉशरूम का यहाँ पर गेट जो है वो टूटा हुआ है। अब बताइए, यहाँ से कोई भी देख सकता है? सेफ्टी की बात की जाती है, वॉशरूम का गेट टूटा हुआ है, खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद अगर वॉशरूम की बात की जाए तो एक वॉशरूम ये, दूसरा वॉशरूम ये, दो ही वॉशरूम है। हालांकि इसमें ना टॉयलेट पेपर है, पानी आ रहा है, लेकिन फ्लश देखिए वहाँ से, वो पूरी तरीके से ख़राब है। ये तो स्थिति है सरकारी अस्पताल की, जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा आयुर्वेदा अस्पताल है, ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान। उस अस्पताल की हालत इतनी गंदी है जो आपके सामने आप देख सकते हैं, जहां हर रोज सैकड़ों मरीज अपना चेकअप करवाने आते हैं। इसके सामने ही लिफ्ट मैंने आपको दिखाई, लिफ्ट आप देखिए, लिफ्ट खराब पड़ी है। अब ऐसे में इसका जिम्मेदार किसको समझा जाए, किसको गलत ठहराया जाए, आप सब इस बात को बखूबी जानते हैं। लिफ्ट नंबर 6-7 भी दिखाया था, 8 भी दिखा दिया, 10 भी दिखा दिया। देखिए, एक दो लिफ्ट और भी इधर आए हम, लिफ्ट नंबर 3, लिफ्ट नंबर 4, पेशेंट लिफ्ट नहीं चल रही, लिफ्ट और क्वारंटाइन सेंटर लिफ्ट नहीं चल रही। ये देखिए, दोनों लिफ्ट, क्वारंटाइन सेंटर वाली लिफ्ट और पेशेंट लिफ्ट, दोनों ही लिफ्ट नहीं चल रही है। अब आप सोचिए, यहाँ पर
जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हैं उन पर सवाल खड़ा करे कि ना करे। अगर अभी किसी पेशेंट को ऊपर जाना होगा, ये लिफ्ट ख़राब है, दूसरी तरफ वो भी लिफ्ट ख़राब है, तो पेशेंट इमरजेंसी पेशेंट है वो ऊपर जाएगा कैसे? मिली है? हाँ, ये पांच लिखी है ना। हाँ, इनमें से एक दवाई मिली है। क्यों, पांचों दवाई नहीं बोली इन्होंने? नहीं, क्यों कह रहे हैं नहीं हमारे पास है नहीं। फिर अब क्या करेंगे? बाहर से लेंगे? देंगे, और जिसके पास नहीं इनकम होगी वो बेचारा नहीं खरीदेगा। क्या नाम है मैम आपका? मैम मेरा नाम रंजना है। रंजना, अभी दवाई लेने आई थी? मैम मैं दवाई लेने आई थी, मैं काफी टाइम से परेशान हो रही थी, और मैं जब आज दवाई लेने आई हूँ दवाई नहीं मिली। सिर्फ मुझे दो शीशी मिली और दवाइयाँ मिली ही नहीं है, जो नॉर्मली हम मिल जाती थी अब नहीं मिली। क्या बोल रहे हैं ये? मैं बोल रही हूँ स्टॉक खत्म है। मैंने बोला, मैंने कहा प्लीज, मैंने कहा हम गरीब आदमी हम कहाँ से लेंगे, कहाँ से स्टॉक, मतलब हमें तो दवाइयाँ लेने आई हैं। अगर इनको चेकअप ही कराना होता और ये अच्छा पैसा होता तो क्यों ना प्राइवेट में कराती? सरकार ने अस्पताल बनाए क्यों है? ताकि जो लोग उतने सक्षम नहीं है वो आसानी से यहाँ चेकअप करा सके। और ऐसे में देखिए, प्रिस्क्रिप्शन पेपर भी है, दवाइयाँ लिखी गई है, लेकिन दवाई मिली नहीं। मैम हम गरीब आदमी है, बाहर से हम लेते हैं तो ये दवाइयाँ बहुत महंगी है मैम, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, पिछली बार काढ़ा नहीं मिला था तो वो मैंने अवॉइड कर दिया, जबकि उसी से ज्यादा जल्दी आराम होता। अब इस समय मैं इतनी परेशान हूँ। पहले ये दवाइयाँ मिल रही थी यहाँ पे? पहले कुछ मिल गई थी, एक दो रह गई थी, तो वो हमने बाहर से ली थी, लेकिन वो बहुत महंगी है मैम, इतना तो हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हाँ, इतना तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। और पेपर्स देखिए इनके, अगर पेपर देखेंगे इतनी सारी दवाइयाँ इसमें लिखी गई हैं, चार दवाइयाँ हैं जिसमें से दो दवाई मिली है, दो नहीं मिली है। आपको भी दवाई नहीं? जी दवाई नहीं मिली मैम, बाहर के लिए लिखी है। बाहर के लिए? हाँ जी, मैम दो पर्ची बनवाई है, दोनों में बाहर दवाई। कितने की दवाई बाहर से पड़ेगी अगर आप लेंगे तो? अब पता चलेगा मैम, कितने की बताएंगे? महंगी पड़ती है मैम, बहुत महंगी पड़ती है। अभी तीन दवाई लिखी तो एक दवाई मिली है, और दूसरी पर्ची में भी चार दवाइयाँ लिखी तो एक ही मिली है। और भाव बोलते बाहर से ले लो, तो बाहर पे हम लोग इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? इतनी महंगी दवाई, त्रिफला चूर्ण भी नहीं है मैम, त्रिफला चूर्ण भी नहीं है। नहीं, अब आप ये देखिए कि एक मेडिसिन अगर 250 रुपए की आएगी तो घर में और भी खर्चे हैं। आप एक बार बताइए, हम क्यों आए हैं यहाँ पे? इसीलिए तो आए हैं कि हमारा ट्रीटमेंट अच्छे से होगा और दवाइयाँ अंदर से मिल जाएंगी। कोई एक आधी होती है कि नहीं होती है तो हम बाहर से ले लेते हैं तो ठीक रहता है, लेकिन अगर सारी ही लेनी पड़ेगी तो फिर कैसे अफोर्ड हो पाएगा? सब बाहर से, सब बाहर से, एक आध दवाई को मिलती है। अभी मेरे पास देखो कितनी दवाइयाँ लिखी है, देखो सिर्फ इन्होंने मेरे को दो, ये खाली देखो इधर, ये ऑयल है, ये भी नहीं है, अग्नितुंडी ये भी नहीं है, चंद्र प्रभाकर वटी ये दिए खाली माँ पर, ये दिए। ठीक है, ये जो मेडिसिन की इनके पास, ये जो प्रिस्क्रिप्शन पेपर है, ये भी नहीं दिए। ठीक है, इधर ये देखो, ये चूर्ण है, ये भी नहीं है, ये टेबलेट है, ये भी नहीं है, फिर है क्या? हाँ, ये देखिए, ये कहीं और का पेपर नहीं है, डॉक्टर्स खुद लिख रहे हैं। जब डॉक्टर्स ये मेडिसिन अंदर से लिख कर दे रहे हैं तो क्यों फार्मेसी पे सारी दवाइयाँ नहीं मिल रही? अब ये बाहर से लेंगे, 1,000, 1,500, 2,000 की दवाइयाँ पड़ेंगी इनको, और जब इतने पैसों की इनको दवाइयाँ बाहर से लेनी है तो फिर ये क्यों आकर इतने बड़े सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं जब यहाँ पर ये दवाइयाँ ही नहीं है? एक कितनी दवाई मिली है सर आपको अंदर से? मैडम सिर्फ दो दवाई मिली है, एक तो ये चंद्र प्रभावटी और एक महासंखी, सिर्फ दो मिले, बाकी सब बाहर से ले लो, ये हमारे पास है ही नहीं। पिछले 7-8 महीने से दवाई यहाँ मिल ही नहीं रही, उससे पहले तो मिलती थी लेकिन उसके बाद में आई नहीं है दवाई। पिछले बोला था नया बजट आएगा तब आएंगी दवाई, लेकिन अभी वही हाल है। तो देख सकते हैं आप समस्याएं कितनी ज्यादा है। अस्पताल अगर आप बाहर से देखेंगे तो अस्पताल इतना बड़ा, इतना भव्य बनाया गया है, वो क्या है, अस्पताल की हालत आपने देखी कि अस्पताल के वॉशरूम फीमेल्स के इतने ज्यादा गंदे हैं, कोई भी वॉशरूम के अंदर पानी नहीं आ रहा है, टैप पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं, वही फीमेल वॉशरूम के गेट तक टूटे हुए हैं। अस्पताल में, ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर मरीज रोजाना सैकड़ों मरीज आते हैं, इलाज कराने आते हैं ताकि दवाइयाँ यहाँ से ली जा सके। ओपीडी में इलाज तो हो जा रहा है लेकिन जब दवाइयों की बात की जाए तो दवाइयाँ इनको मिल ही नहीं रही है। बाहर इतने सारे केमिस्ट है, अब ये केमिस्ट से दवाई लेंगे वो 1,000, 1,500, 2,000 की दवाइयाँ आएंगी तो क्यों ये सरकारी अस्पताल में चेकअप कराने आएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इस अस्पताल की स्थिति सभी को पता चले। नजफगढ़ में इतना बड़ा अस्पताल बनाया गया है, ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान के नाम से दिल्ली का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल है ये, और इसके बाद इस अस्पताल की स्थिति आपके सामने है। ऐसे में स्वास्थ्य पर सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंत्री से लेकर उनके ये सब बड़े बड़े अधिकारी क्या करते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था के इतने बुरे हालात हैं
कि अस्पतालों को देखकर शर्म आ रही है, जहां पर मरीज रोजाना एक उम्मीद के साथ आते हैं कि यहां पर आएंगे, हमारे पैसे नहीं लगेंगे, हमें दवाइयां टाइम पर मिल जाएगी, लेकिन आखिरकार उन्हें निराश होकर इन अस्पतालों से जाना पड़ रहा है। तो जरूर इस वीडियो पर अपनी राय दीजिएगा और वीडियो को ट्विटर पर शेयर करना ना भूलें, और अपना जो भी आपकी राय है हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या झलको, दिल्ली।